I'm Rimsha. Rimsha... Is this Haris Ali's house? क्या मेरा मतलब है कि हारिस अली का घर है? हारिस भाई जी, अली प्लीज। ये कौन है? मुनज़ा या रिमशा इंग्लैंड से आई हारिस भाई से मिलने के लिए। हारिस से मिलने के लिए? क्या आप वाकई हारिस से मिलने आई हैं? जी जी, मैं हारिस ही मिलने आई हूँ। आप? जी मैं मुनज़ा अली। और मैं अलीना अली हूँ। अच्छे नाम है। तो फिर आप रख ले मिस्टर रक्षा। जी क्या कहा? जी कुछ नहीं कुछ नहीं। आप कहाँ से आई हैं और हारिस भाई को कब से जानती हैं? मैं इंग्लैंड से आई हूँ और मैं हारिस को काफ़ी अरसे से जानती हूँ, नेट पे मिले थे। तो वो गिफ्ट वाला चक्कर। अच्छा अच्छा अच्छा, हारिस अली घर पर है? जी जी, वो मेरा मतलब है कि देख के बताती हूँ, पता नहीं घर पे है या नहीं है। आप चाय पियेंगी या कॉफ़ी? जी नहीं, मैं रोज़े से हूँ। क्या रोज़ा? जी तुम लोग भी रोज़ा रखते हो? क्या कहा? कुछ नहीं। तुम जाओ हारिस भाई का पता करो। ठीक है जा रही हूँ। हारिस भाई के मुतालिक आप क्या जानती हैं? मैं हारिस को कुछ माह पहले मिली थी। हारिस एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत सीधा सादा खूबसूरत इंसान है। हारिस की बात ही कुछ और है, मैं तो हारिस से बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये कौन है? तज़ीन, ये रिमशा है, हारिस भाई से मिलने के लिए आई है। अच्छा, हारिस भाई से मिलने के लिए आई है आप? वेरी गुड, मैं तज़ीन हूँ। तज़ीन बहुत खुशी हुई है आपसे मिलकर। क्यों, इसके मुंह पे लतीफ़ा लिखा हुआ है? तुम्हारे मुंह पे हमेशा 12 बजे रहते। चलो मेरे साथ। मैं अभी आती हूँ। पता चला रिमशा आई है। रिमशा कौन? इंग्लैंड से आई है हारिस से मिलने के लिए। हारिस से मिलने? क्यों जी, हारिस से मिलने के लिए। ये जो मीसने लोग होते हैं ना, अंदर से उतने पक्के और खोचल होते हैं, भला कोई शख्स अंदाजा कर सकता है कि हारिस साहब कौन सा गुल खिला रहे हैं? नहीं मुन्ना साहब, तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई होगी। जी नहीं, मेरा अंदाजा 100% सही है। जाके देख लें, वो खुद सबके सामने कह रही है कि उसका और हारिस का। नहीं, मोमल बीबी, ये दुनिया जो करना चाहती है ना कर जाएगी, और तुम देखती की देखती रह जाओगी, और तुम्हारी जो खामोशी है ना तुम्हारा पछतावा बन जाएगी। देख लेना, पछतावा बन जाएगी, मेरी ये बात लिख लो आज तुम। क्या मैं हारिस से? क्या हारिस मुझसे? नहीं, मैंने तो कभी भी इस तरह नहीं सोचा था। क्या मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ? सब क्या है? मेरी मंजिल क्या है? क्या हारिस मेरी मंजिल है? आप हैं रिमशा? जी मैं हूँ रिमशा। आप कौन? मोमल, प्लीज़ बैठे। ओह तो आप हैं मोमल, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। हारिस आपकी बहुत तारीफ करता रहता है। आप हारिस को कब से जानती हैं? मैं और हारिस एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानते हैं। हारिस एक बहुत अच्छा इंसान है। मी एंड हारिस हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। अक्सर आपकी बातें करते रहते हैं। एंड वी आल्सो डिस्कस ऑल योर पर्सनल प्रॉब्लम्स विद मी। क्या मेरे ज़ाती मामलात हारिस आपसे डिस्कस करता रहा? यस यस, ऑफ कोर्स। आप और क्या जानती हैं हारिस के बारे में? यकीनन मैं आपसे हारिस के बारे में ज़्यादा जानती हूँ। क्या ख्याल है?
आप अंधेरे में तस्वीरें देख रही हैं। अंधेरे के उस पार सब कुछ बहुत मुख्तलिफ होता है। I don't believe in such things. मैं तो हर चीज़ को कैनवस पे देख के फिर फैसला करती हूँ। And once I've made my decision, I don't look back. तुम यकीनन पछताओगी। याद रखना। I damn care. क्या बात है मोमिन, खैरियत तो है? क्या बात है अमी, बस जरा थक से गई थी। तुम तो इस तरह पढ़ाई कर रही हो जैसे ये मुकाबले का इम्तिहान दे रही हो। अभी मुकाबला तो जिंदगी के हर मैदान में दरपेश होता है। अमी एक बात कहूँ आपसे? हाँ कहो। अमी मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। सरमद कह रहा था कि उसे पूरा यकीन है स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाएगी। तुम किसी बात पर अचानक इसरार क्यों शुरू कर देती हो? जानती हो तुम्हारे अब्बू तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। अम्मी वक्त बहुत बड़ा मरहम है, जो नहीं रहते उनके बगैर भी तो रहा जाता है। मोमिन क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो? अरे नहीं अम्मी, मैं बोला क्यों परेशान होगी। अच्छा अब ये बताइए कि मुनज़्ज़ा की ईद की शॉपिंग की कि नहीं? पता है अगर ईद नज़दीक आ गई ना, उसकी शॉपिंग ना हुई तो उसने तो शोर मचा देना है। मोमिन मुझे तुम पर फख्र है। अच्छा चलो उठो, इफ्तारी की तैयारी करवाओ मेरे साथ। अम्मी आप चले मैं आते। ओके ये कौन है? अम्मी ये रिमशा है, इंग्लैंड से आई है हारिस भाई से मिलने के लिए। क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। तुम हारिस से मिलने आई हो इंग्लैंड से? जी, हारिस इज अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मैं सिर्फ उनके कहने पे इतनी दूर से आई हूँ। बड़ा मजा आएगा, रमजान की तरह दुबाला हो जाएगी। क्या ये यही रहेगी? जी नहीं, मैं होटल में ठहरी हूँ। तो आप इधर ही आ जाए ना। थैंक्स बट इट्स ओके। अच्छा भी लड़कियों, अब कुछ इफ्तारी की तैयारी भी करनी है, चलो जल्दी करो। अम्मी आप चले, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। ओके आप हमारे साथ रमजान गुजारोगी तो बहुत इंजॉय करोगी। अरे तजीन कुछ तो खुदा का खौफ करो, रोजा एक इबादत है और तुम इबादत को ही इंजॉयमेंट बना लेना चाहती हो। अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें इबादत को इबादत समझ के ही अदा करना चाहिए। इबादत में खलूस से ही कर्बेलाई हासिल होती है। ये आप कह रही हैं? जी मैं ही बोल रही हूँ। अरे लड़कियों देखो बाहर कौन है, अलीना तेजीन मुनसा, भाई देखो हल्कान हो गया तो घंटियां बजा बजा के। जी आंटी। बेटा देखो बाहर कौन है। जी अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। सादिया कैसे आना हुआ? ये अम्मी ने आपके लिए अफ्तारी भेजी है। भाई अलीना पकड़ो ना इसे, ट्रे पकड़ लो। और सादिया अम्मी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना मेरी तरफ से। मैं तो कब से शुक्रिया के पैगाम इकट्ठे कर रही हूँ। माशाल्लाह 5 देगे पुलाव की पकाई है अफ्तारी के लिए और जी भर कर मोहल्ले में अफ्तारी कराई है। अम्मी कहती हैं अगर अल्लाह ने दिया हुआ है तो दिल खोल के खर्च करो उसकी राह में। हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, ये तो बहुत ही रहमतों और बरकतों का महीना होता है। ये बैठो ना सादिया। नहीं नहीं मैं चलती हूँ, अगले हफ्ते बहुत बड़ी अफ्तार पार्टी का इंतजाम करना है और आप लोग जरूर आइएगा। हाँ हाँ भाई क्यों नहीं आना, आएंगे जरूर आएंगे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
आंटी, ये बहुत बड़ी अवतार पार्टी और आम अवतार पार्टी में क्या फर्क होता है? एक होती है बड़ी सियासी पार्टी और एक होती है छोटी टांगा पार्टी, दोनों में फर्क तो होता है ना? जी। इसी तरह बड़े लोगों की बड़ी अवतार पार्टी होती है और छोटे लोगों की छोटी अवतार पार्टी। अब तुम जाओ ना, जाके अंदर अफतारी का इंतजाम करो। तुम लोग नहीं समझ सकते ये तरक्की पसंद सोच। जी अच्छा आंटी। पांच देगें पलाव की, सर मोहल्ले में अजीज अकारब को पता तो चले ना। क्या बेटी? जी अब्बा जी। बैठो जरा। ये लड़की कौन है और यहाँ क्यों आई है? अब मैं क्या बताऊँ अब्बा जी, आप खुद ही पूछ लीजिए। मैं जो पूछ रहा हूँ ना, मुझे सिर्फ उसका जवाब दो। अब्बा जी, हारिस ने पता नहीं कब से उसके साथ जान पहचान बना रखी है और अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि वो इतनी दूर से घर तक आन पहुँची है। ये हारिस ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ये मामला क्या है? चुप्पी अच्छी है अब्बा जी। अब किसी के अंदर क्या है ये कौन जान सकता है भला? बच्चे जब जवान हो जाए ना, तो माँ बाप को उनके बारे में जल्द ही फैसला कर लेना चाहिए, वरना कुछ भी बईद नहीं। बड़ों के होते हुए बच्चों को फैसला करते हुए कुछ सोचना पड़ता है अब्बा जी। तुम इतना फिक्रमंद क्यों हो रही हो? हम हैं ना, बड़ों के होते हुए तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए बेटा। एक बेटी के होते हुए लोग इतने परेशान होते हैं अब्बा जी, और मेरी तो तीन बेटियां हैं। चलो, ये बेटियां जो होती हैं ना, ये तो अल्लाह की रहमत होती हैं और बेटे बेवफा होते हैं। ये बेटियां ही तो हैं जो माँ बाप का मरते दम तक एहसास करती हैं। फिक्र करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फिक्र ना करो तुम। वैसे तुम लोग रोजे में क्या एहतमाम करते हो? एहतमाम? मेरा मतलब है इंतजाम। क्या खाते पीते हो? पकोड़े, समोसे, दही भल्ले, फ्रूट चाट वगैरह वगैरह। अरे खजूर तो तुम भूल ही गई। अरे हाँ, खजूरें वगैरह वगैरह क्या करते हो? हमें तो सिर्फ इफ्तारी का टाइम याद रखना होता है, चाहे कहीं भी हो, घर में या दफ्तर में या किसी भी जगह में, जो कुछ मिल गया उसी हम रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। वैसे मेरे नज़दीक तो असल रोज़ा तुम लोगों का होता है, वहाँ तुम लोगों के यहाँ हर कोई खा पी रहा होता है और तुम लोग सब्र करते हो। वाह, क्या रोज़ा तुम लोगों का। रोज़ा? रोज़ा किसे कहते हैं आप? रोज़ा? अरे रोज़ा तो एक फंक्शन होता है हमारे यहाँ। तुम हमारे साथ रहोगी ना तो सब जान जाओगी। ये लंबी चौड़ी अफतारी और सहरी, इसका तो मज़ा ही कुछ और है ना। ये तो बस हर बात में मज़ा और क्रेज़ ही ढूंढती रहती है। इसके लिए ना मरना भी मौत भी एक मज़ा और क्रेज़ ही होगा बस। नहीं, वो तुम्हारे लिए क्रेज़ होगा, मुझे तो बहुत डर लगता है। हाँ, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। कभी तो कोई बात बर वक्त कर लिया करो। यहाँ पर लड़ने मरने की बातें नहीं हो रही है, खाने पीने की बातें हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। रोजा खुल गया। अच्छा लो रिमशा। शुक्रिया शुक्रिया, मैं ले रही हूँ। भाई तुम लोग तो बहुत एहतमाम करते हो इफ्तारी का। बस यही तो मजा है रमजान का। ये मोमिल आज कहाँ रह गई? कंप्यूटर स्टडी में वो कोई ऐसा अनोखा काम करना चाहती है कि इस साल नोबेल प्राइज उसे मिले। वेरी गुड, इसका मतलब है कि मोमिल इज अ वेरी क्लेवर पर्सन। यही तो एक कॉमन चीज है हारिस में मोमल में, कि वो जिंदगी को भी एक मिशन समझते हैं। ठीक है अलीना, जाओ जरा देख के आओ कि बड़ों ने इफ्तारी कर ली। मैं क्यों जाऊँ, तुम खुद चली जाओ। तुमने तो हर बात में ही ना कहने की कसम खाई हुई है, कम से कम रमजान का कोई एहतराम कर लो। इस सारे फलसफे हमें सुनाती हो, कभी खुद भी अमल कर लिया करो। तुमसे बहस करना बिल्कुल फजूल है। अब जाओ ना, तुम ही जाकर देख लो। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो वो आवाज़ दे लेंगे। बैठे रहो। बहुत शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ, लेकिन आप प्लीज़ हारिस को मेरा मैसेज ज़रूर दे देना। ज़रूर जाना है, रुक जाओ ना, इसे अपना ही घर समझो। बहुत शुक्रिया, मैं फिर आऊँगी। आई बी बैक सून। हाँ हाँ हाँ, ज़रूर इसे अपना ही घर समझना। ओके okay?
अरे हारिस भाई आप आगे? हाँ क्यों, खैरियत? हाँ जी, आपके लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज मेरे लिए? हाँ, वो आज आई थी। कौन? रिमशा। रिमशा आई थी? हाँ जी, वो हमारे साथ अफ्तारी भी करके गई है। रिमशा आई थी, अफ्तारी भी करके चली गई? क्या तुम सच कह रही हो ना? हाँ हाँ, मैं 100% सच कह रही हूँ। अच्छा ये बताओ कि किसी ने कोई बात तो नहीं? अभी तक तो कोई बात नहीं। ठीक है, तुम ऐसा करो, जाके गर्म सी चाय बना के, जल्दी जल्दी। यस 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 यस। यो हारिस। ये रिमशा कौन है? वो मेरी दोस्त है। सिर्फ दोस्त? मुझसे नजर मिलाकर बात करो, कौन है ये रिमशा? कहीं तो उससे मोहब्बत तो नहीं करते? बताओ, बोलो। हाँ हाँ, बताया तो है, वो मेरी दोस्त है। एक बात बताओ, ये सब पूछने वाले तुम कौन हो? हाँ बोलो। तुम्हें ये सब पूछने का कोई हक नहीं है, तुम सिर्फ मेरी कजन हो और बस। मेरे मामलात में दखल देने की कोशिश मत करो और ना ही तुम्हें कोई हक हासिल है। ये तुम मुझसे कह रहे हो? हाँ हाँ, ये मैं कह रहा हूं और पूरे होशो हवास में कह रहा हूं। और शायद तुम ही किसी गलतफहमी का शिकार हो गई थी। मैं किसी गलत फहमी का शिकार नहीं हूँ। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे तुम्हारे मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। सॉरी। वेरी गुड। क्या इंसाफ किया है आपने? आप तो किसी के भी मामले को जैसे चाहे मर्जी हैंडल कर लें, लेकिन किसी को आपके मामले में बोलने का कोई हक हासिल नहीं। बहुत अच्छा किया आपने जो हदूदों इख्तियारात का तयन कर दिया। लेकिन अब एक बात आप भी अपने जहन में डाल लीजिए कि अब किसी को किसी के मामले में बोलने का कोई हक नहीं। मैं तो समझती थी कि रिश्ते और मान कच्चे रंगों की मानित नहीं होते, लेकिन ये तो हल्की सी नमी से मिट गए। क्या ताल्लुक और रिश्ते इन्हीं चीजों के नाम है? चलो मोमल, शराब के पीछे भागने से बेहतर है कि तुम अपने पांव किसी दलदल में गाड़ दो। मैं तो समझती थी कि रिश्ते और मान कच्चे रंगों की मानित नहीं होते, लेकिन ये तो हल्की सी नमी से मिट गई।